हेलो, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो आज के क्वेश्चंस में ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन है मैथ्स का। आपने अगर ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखने में मजा आएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफ एक पहले तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, क्यू प्लस ये ग्रुप है, टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक ग्रुप बनता है। दो ग्रुप्स है, इन दोनों के बीच एक होमोमोर्फिज्म दिया हुआ है, ठीक है, एफ इज ए होमोमोर्फिज्म। तो आपको और एक कंडीशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2/3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देन आपको पूछ रहा है एफ ऑफ 6 क्या होगा। ठीक है, सिंपल इजी है समझने में। होमोमोर्फिज्म गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, एफ ऑफ 6 निकालना है, तो आप कैसे करोगे। तो जो गिवन होता है ना, इसी पे ही हम लोग को थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि, और हम लोग के पास ग्रुप क्या है, डोमेन में रेशनल्स है और ऑपरेशन है एडिशन, 2/3 है। तो आप 2/3 को अगर 2/3 + 2/3 + 2/3 तीन बार प्लस करते हो, तब आंसर क्या निकलता है हम लोग के पास, 6/3, दैट इज इक्वल टू 2, है ना। 2/3 को अगर हम लोग तीन बार प्लस करते हैं तब 2 आता है। तो सिमिलरली 6 कब आएगा, जब 2/3 को हम लोग कितना बार प्लस करेंगे, ऐसा करके तीन बार करने से 2, 2 आता है, तो 9 बार प्लस करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग के पास 6 आएगा, है ना। ये कितना बार, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स एडिशन, ये तो क्लियर है, आप चेक कर लो। तो हम लोग को क्या चाहिए, एफ ऑफ 6 चाहिए। तो एफ ऑफ 6 को क्या मैं ऐसा ही लिख दूंगा ना, 2/3 + 2/3 + ... 2/3, ये कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। ओके, अभी सिंस एफ होमोमोर्फिज्म गिवन है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकूंगा, एफ ऑफ 2/3 इनटू एफ ऑफ 2/3। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले का ग्रुप का जो ऑपरेशन है ये प्लस है, हम लोग ने प्लस में ही ब्रेक किया, 6 को हम लोग ने प्लस में ही ब्रेक किया, और 2/3 भी गिवन है तो मतलब यूज में आ जाएगा। और जब होमोमोर्फिज्म वाला ब्रेक करेंगे ना, तब सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक होगा, मतलब एफ ऑफ 2/3 इंटू एफ ऑफ 2/3 इंटू एफ ऑफ 2/3, ऐसा करके कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 9 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हो गया। अब ये गिवन है, इसका आंसर, इसका क्या गिवन है, 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 9 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 6 इक्वल टू 3 to the power 9। ये सिंपल क्वेश्चन था और मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बोल सकते हो, अगर समझ में आया तो एक लाइक और कमेंट भी कर ही सकते हो। हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एप्टीट्यूड वाला, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट जो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, ये कल वाले क्वेश्चन से सिमिलर है, ठीक है, सीएसआर नेट फरवरी 2022 में आया था। चूज द ऑप्शन दैट मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। अभी स्टेटमेंट को पढ़िए, दिस सेंटेंस कॉन्टेन्स द लेटर ई डैश टाइम्स, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा और स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना पड़ेगा, तो मतलब हम लोग को स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि लेटर ई कितना बार है, मतलब कंटेन कर रहा है, तो काउंट करिए। देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे तीन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक, चार, पांच, छः, सात, आठ, आठ। अभी यहाँ में हम लोग अगर EIGHT 8 टाइम्स लिखते हैं, तब क्या ये सही होगा। वैसे आप गलती मत करना, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्रेडिक्ट कर देगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में हम लोग को तो करेक्ट वाला पुट करना है, लेकिन जब हम लोग फिल इन द ब्लैंक में 8 पुट करेंगे, तब यहाँ पे भी एक ई है ना, तो टोटल हम लोग के पास 9 टाइम्स होगा ना, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए 8 आंसर नहीं होगा। 8 के बाद क्या नंबर आता है, 9। हम लोग अगर यहाँ पे NINE लिखेंगे, पहले हम लोग के पास 8 8 8s था, यहाँ पे एक ई आएगा तो टोटल 9 हो गया,
तो डैश में भी मैंने 9 लिखा तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हम लोग के पास सी ऑप्शन करेक्ट आ जाए। ठीक है, यही था एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। मैं पोस्ट करते रहता हूँ, ट्राई करता हूँ पोस्ट करने के लिए एक मैथ्स का एक एप्टीट्यूड का। यही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी अगर कुछ भी गलती हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से।